हाँ तो बच्चों, आज हम लोग वायु जीवन के लिए आवश्यक चैप्टर में वायु का प्रभाव के बारे में एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे। तो आप लोग वायु से परिचित हो कि वायु क्या होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण होता है। जो वायु क्या होता है, जिसे हम लोग कभी मतलब खुले आँख से हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि वायु जो होती है पारदर्शी होती है। लेकिन वायु जब गतिशील हो जाता है तब हम लोग उसको कहते हैं हवा। वो हवा भी हमको दिखाई नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें महसूस होती है। जैसे जब हम बाहर में कपड़ों को सुखाते हैं तो कपड़े हिलते डुलते हैं तो हमको हम कहते हैं कि हवा चल रही है। पेड़ की पत्तियां जब हिलती डुलती हैं तो हम लोग कहते हैं कि हवा चल रही है। उसी प्रकार ये तो वायु जब गतिशील होती है तो उसे हम लोग हवा कहते हैं, और वही हवा में जब और गति आ जाती है तो उसको हम लोग पवन कहते हैं। और उस पवन में काफ़ी ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा का उपयोग हम लोग पवन चक्की में करते हैं, और पवन चक्की का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए या कुएं से पानी को निकालने के लिए या आटा चक्की को घुमाने के लिए भी हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग पवन चक्की का ही एक मॉडल बनाएंगे जो पेपर का होगा, इसलिए इसका नाम रखे हैं कागज का फिरकी या पेपर विंड मिल। ये खिलौना है बच्चों के लिए, लेकिन हम इसमें ये समझेंगे कि वायु का प्रभाव के कारण हम लोग इसको जो है कर पाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कागज का फिरकी कैसे बनाएं। इसमें हम लोग कागज का फिरकी बनाने के लिए एक वर्ग के आकार का, कोई भी साइज का वर्ग के आकार का एक पेपर लेते हैं। ये A4 साइज का जो व्हाइट पेपर है उससे भी बन सकता है, कॉपी का कोई पेपर भी ले सकते हैं, सिर्फ देखना है कि ये एक वर्ग के आकार का होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग के विकर्ण से जो है इसको हम लोग इस तरह से मोड़ लेते हैं, फिर इसको खोलते हैं और दूसरा जो विकर्ण है उसको भी हम लोग इस तरह से मोड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैंची से ये जो इसका केंद्र बिंदु है और ये जो किनारा है, कोई भी एक कोना से हम लोग इसका जो केंद्र बिंदु है उसमें आधा से ज़्यादा तक हम लोग इसमें काटेंगे, विकर्ण को आधा से ज़्यादा, मतलब यहाँ से केंद्र से लेकर के ये जो शीर्ष है आधा से ज़्यादा, चारों विकर्णों का जो ये है उसको हम लोग इस तरह से आधा से ज़्यादा काटेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फेवी गम लेते हैं या फेविकॉल, और इस तरह से आप देखेंगे कोई भी एक कोना को सबसे पहले हम लोग इस तरह से मोड़ेंगे और उसमें हम लोग थोड़ा सा फेविक गम या फेविकॉल उसमें डालेंगे, और जैसे इसमें गम डाले हैं तो इसके सटा हुआ जो किनारा है उसको नहीं लेंगे, उसके एक छोड़ करके अर्थात अल्टरनेटली, जैसे इसको इसमें फेविगम लगाएं तो इसको नहीं लगा करके उसके बाद वाला को इसके ऊपर में पेस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर में थोड़ा गम लगाएंगे और एक छोड़ करके फिर दूसरा को हम लोग उसके ऊपर में साटेंगे, फिर उसके ऊपर में गम लगाएंगे और एक छोड़ करके फिर एक, अर्थात अल्टरनेटिवली जो है एक एक को छोड़ते हुए हम लोग इस तरह से इसको हम लोग साटेंगे। साटने के बाद
दो टो इस तरह का थोड़ा मोटा पेपर को हम लोग फेविगम लगा करके इसमें हम लोग इसके ऊपर में साट देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा इसमें मजबूती आएगा और इसको हम लोग तब तक थोड़ा सा सूखने के लिए जो है हम लोग छोड़ देंगे। पीछे भी जो है हम लोग वही काम करेंगे, इसका बैक साइड में भी हम लोग जो वर्क का जो केंद्र बिंदु है वहाँ पर थोड़ा सा गम लगाएंगे और उसी तरह का एक गोल टुकड़ा जो है कागज़ का टुकड़ा डाल देंगे। इसे हम लोग थोड़ी देर तक सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा इसको हम लोग पकड़ के रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो है इस तरह का राउंड ही शेप में ही रहेगा, मुड़ा मतलब इसको हम लोग को फोल्ड नहीं करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पिन, पेपर पिन जो है आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर पिन है। पेपर पिन को हम लोग इसके ठीक बीचों बीच जो है इस तरह से डालेंगे। पेपर पिन को हम लोग इसके ठीक बीचों बीच इस तरह से डालेंगे और दूसरे छोर पर, दूसरे उसके पिन के नुकीले सिरे पर एक थर्मोकोल बॉल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, थर्मोकोल बॉल या थर्मोकोल पीस का टुकड़ा हम लोग इस तरह से इस पिन में डालेंगे। डालने के बाद हमको एक पेंसिल चाहिए। देखिए ये घूमने लग गया है, एक पेंसिल लिए हैं, ये आप देख सकते हैं ये एक पेंसिल है। पेंसिल का पीछे तरफ में रबर लगा हुआ है। ऐसे वाला पेंसिल ले करके इसमें हम पिन को इस तरह से डाल देंगे। थोड़ा ध्यान पूर्वक कीजिएगा, हाथ में ना लगे जैसे। देखिए ये डाल दिए। अब इसे ले करके किसी पंखा के नीचे रखेंगे या अगर दौड़ेंगे तो ये घूमने लगेगा। आप देख सकते हैं ऊपर पंखा है, ये किस तरह है। तो बच्चों आप लोग भी बना रहे होंगे इसको, थोड़ा बना करके जिनका बन गया है आप लोग थोड़ा पंखा के नीचे इसको रखिए, देखिए घूमता है कि नहीं। घूम रहा है ना, देखिए आप लोग तो बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे भी बनाए हैं। थोड़ा पेपर हार्ड रहेगा तो मजबूती आता है, थोड़ा अच्छा जो है होता है। ऐसे टोपी का पेपर से भी आप बना सकते हैं और इसे अगर आप लेकर के दौड़ेंगे तो भी ये घूमने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये ऐसा है, इसको लेकर के अगर हम दौड़ेंगे तो ये घूमेगा और पंखा के नीचे तो ये इस तरह से घूमेगा। तो बच्चों ये कैसा लगा मॉडल, अच्छा लगा? चलिए बहुत अच्छा। आप अपने घर में जाके अपने भाई बहनों को भी सिखाइएगा। धन्यवाद।